गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रमी मास्टर्स। दोस्तों, ये जो आपके लिए मैं गेम लाया हूँ, आप इसे देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो आप लोगों को काफ़ी सारा इसमें सीखने मिलेगा आपको। और मैं जो ये वीडियो अभी जो मैंने बनाया है, काफ़ी इसको थोड़ा फास्ट करके बनाया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी आप टाइम इसमें देंगे उसमें आप लोगों को काफ़ी सारा सीखने मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इस वीडियो में भी आपको बहुत सीखने मिलेगा। आपको देखना चाहिए कि इसमें हम लोग जब खेलते हैं कि स्प्लिट विन कैसे मिलता है, कौन सी गेम खेलना चाहिए, कौन सी नहीं खेलना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अभी स्कोर यहाँ पर अभी हमने पैक कर दिया, तो चलो छोड़ देते हैं। 79 का स्कोर हमारा है, बाकी सब 50 और 86, 75, 50, 29 लोएस्ट है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास में गेम सही नहीं है तो हम पैक कर देंगे। पैक करके अभी यहाँ आप देख सकते हो कि गेम, चलिए ये भी गेम अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया हूँ। 66 पॉइंट कोई हारा है तो वो चले गए 152 पर। यहाँ पर हमारे पास में एक प्योर सीक्वेंस है और एक जोकर है, तो पॉइंट्स कम है हमारे हाथ में, तो हम खेलेंगे इसको। ये देखिए, अभी हमारे पास में एक सेट हो गया है और हम लोग सिर्फ 20 पॉइंट्स पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा मकसद जो है यहाँ पर मेन, कि हमें 20 पॉइंट्स के अंदर आना है और कोशिश करना है कि हम हमारा चांस बचा लें। एक और छोटा कार्ड आया है, अब हम 13 पॉइंट पे हैं यहाँ पर। दोस्तों, जब आप पूल खेलते हो तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि बड़े कार्ड्स अपने रखने नहीं है, जो यूज़फुल नहीं है उसको रखना नहीं है, छोटे कार्ड्स आप रखिए ताकि आपके पॉइंट्स बचे रहें हाथ में, क्योंकि यहाँ स्कोर जो है वो हम 200 के ऊपर चले जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। आप लोगों को वो ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको जो भी है कम पॉइंट्स हारना है। यहाँ पर हम 13 पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं, 117 पे हम लोग यहाँ पर अभी आ चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास में नेक्स्ट गेम जो है उसमें क्या है। हमारे पास में कार्ड्स अच्छे थे, सब कनेक्टेड कार्ड्स है इसलिए मैं खेल चुका हूँ, और प्योर सीक्वेंस के लिए कार्ड आ चुका है हमारे पास में, बहुत बढ़िया कार्ड मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोग 50 पॉइंट्स पे हैं और ये बहुत ज़्यादा है। एक कार्ड मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारा जो टारगेट है 25 के अंदर जो पैक चांस होता है उसके अंदर आए, तो इसलिए जो भी कार्ड मिलता है अभी हमें उसे उठाना होगा। ये जैक आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है हमारे लिए, 3-1 के हो जाते हैं, यहाँ पर सेट बन जाता है। तो चलिए हम जो है 7 ऑफ क्लब्स से डिस्कार्ड जाएंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट कार्ड है, अगर एक लग भी गया तो दूसरा सेफ जाएगा वो हिसाब से। अब यहाँ पर हम 33 पॉइंट्स में आ चुके हैं। देखिए, अभी यहाँ पर एक पत्ता मिलता है तो हम 12 कार्ड रेडी हो जाएंगे, 9 पॉइंट्स पे आ सकते हैं। ओ, ये किंग, अगर हम किंग लेते हैं तो हमारे पास में प्योर सीक्वेंस नहीं है, सेकंड प्योर सीक्वेंस, इम्प्योर सीक्वेंस नहीं है सॉरी, लेकिन लेना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसे अगर नज़दीक आना है गेम के तो हमें वो लेके चलना पड़ेगा, और एक कोई सेफ कार्ड उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा हमें। चलिए किंग ले लेते हैं, और 9 ऑफ स्पेड्स, स्पीक ना हुआ, हमने डिस्कार्ड कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए, अगर हमें ये जो किंग ऑफ क्लब्स है वो यहाँ पर डालेंगे तो 3-3-1 के, लेकिन सेकंड इम्प्योर सीक्वेंस नहीं है। चलिए, 10 मिल चुका है यहाँ पर, अभी हम देखिए 12 कार्ड रेडी है, और अनटच रम्मी भी है, किंग ऑफ जो क्लब्स है वो अगर हम यहाँ शिफ्ट करते तो कोई भी एक कार्ड हमें, जहाँ पर भी एक कार्ड मिलता है, कोई भी कनेक्ट कार्ड मिलता है, जैक, किल्वर, गुलाम या बादाम सत्ते के लिए कोई भी एक कार्ड मिलता है हमें, तो हमारी गेम हो जाती है। अब हम 60 पॉइंट पे है और हमारा चांस भी बच चुका है। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ गेम दिखाएं ताकि हमारा चांस बरकरार रहे, हम 3 चांस पर रहेंगे, और चांस बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी जो खेला है वो अशोक करके जो है यहाँ पर वो सिर्फ 79 पर हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितने पॉइंट्स हमारे हाथ में कम है, अभी 5 पॉइंट है हमारे हाथ में।
चलिए खींच के देखते हैं, अगर कार्ड मिलता है तो गेम अपनी अगर होती है तो, नहीं हुई है हम लोग चलिए पॉइंट कम करेंगे, 4 पॉइंट रखेंगे हाथ में। ये देखिए यहाँ पर अगर ये भाषा लगाता हूँ तो भी हमें एक कार्ड चाहिए, कहीं ना कहीं एक कार्ड चाहिए सिर्फ हमें, गुलाम किलोवर का और चौक बादाम का, इसके लिए कनेक्ट कार्ड चाहिए। दूरी मिल गई है कनेक्ट कार्ड हमको। ये देखिए हमारा गेम हो चुकी है यहाँ पर, अभी हमने डिक्लेयर कर दिया है। 80 पॉइंट मिले अशोक, जो जो लोवेस्ट है देखिए उनको 80 पॉइंट पकड़ा हुआ है, तो अभी सब 100 पार है। और यहाँ पर गेम बहुत बढ़िया आई है हमें, 3 जोकर है हमारे हाथ में। 159 पे जो है अभी जो खेल रहे हैं अशोक का, आप देख पा रहे हो वो लोवेस्ट है, और उनको 80 पॉइंट पकड़ के हमने सीधा एक चांस पर लेकर आ गया है, 4 चांस से सीधा एक चांस पे आए हैं वो। दोस्तों यहाँ पर हमें काली रानी चाहिए जो किल्वर और स्पीक रानी है, अगर वो मिलती है तो हमारी जो गेम है एकदम नज़दीक आ जाएगी। अभी आरआर गेम है हमारे पास में, एक प्योर सीक्वेंस के लिए कार्ड चाहिए, अगर एक प्योर सीक्वेंस के लिए सीधा पत्ता मिलता है एक स्पीक रानी किल्वर रानी तो हमारी गेम हो जाएगी। एक का स्पीक का आया हुआ है, ऐसे हम जोकर में आड़ा बचे हैं, चलिए 8000 डिस्कार्ड कर देते हैं, और हमारे पास में अब हम जो है 17 पॉइंट पे आ चुके हैं, क्योंकि 2 जोकर है हमारे पास में, 2 जोकर, एक का बादशाह किलावर का और बादशाह गुलाम किलावर। अभी भी हमारे पास में अगर रानी मिलती है किलावर की या स्पीक की तो हमारी गेम हो जाएगी। चलिए एक अच्छा कार्ड आया है, हम यहाँ पर अभी जो है मुझे डाउट है ये सत्ता उसको लगेगा, क्योंकि ऑफर का 10 गिरा है नीचे तो शायद ये सत्ता लग सकता है, लेकिन हमें पॉइंट्स कम करना है ये याद रखना है। लगे तो लगे कोई इशू नहीं है, लेकिन हम पॉइंट्स कम करेंगे तो सत्ता ही डिस्कार्ड करेंगे। अब हम 10 पॉइंट पे है यहाँ पर, अगर जोकर हम जगह पे लगा देंगे तो 10 पॉइंट में, ये देखिए यहाँ पर हम 10 पॉइंट में आ चुके हैं, लेकिन हमें अगर चांस बचाना है तो हमें 8 पॉइंट के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्कोर जो है 117 है, 125 के अंदर आने के लिए हमें जो है 8 पॉइंट में आना है। तो यहाँ पर अगर गेम हो जाती है या कोई कनेक्ट कार्ड मिलता है तो हम छक्का भी डिस्कार्ड कर देंगे, ताकि हमारा जो स्कोर है वो 8 पॉइंट के अंदर रहे। ये देखिए चौक आया है, छक्का, अभी सत्ता लेके गए लेकिन छक्का रुकाना नहीं है, सीधा छक्का डिस्कार्ड कर दिया है। लगे तो लगे ये बात आपको याद रखना है, अगर सामने वाले को लगता है उनकी गेम हो जाती है, अभी तो हम चांस हमारा बच चुका है, तो ये सबसे बड़ा टिप मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर सामने वाले की गेम होती है आपके कार्ड से डिस्कार्ड से, तो अगर आप देखोगे तो जो आरके है वो 125 पे है, और देखिए वो 125 से 80 पॉइंट देके सीधा आउट हो गए। ये एक स्किल है, ये भी एक स्किल है, ये भी एक गेम का पार्ट है, कि अगर आप सामने वाले को कार्ड दे देते हो और आप आउट हो जाते हो तो एकदम इसके अंदर जायज़ है कि आप कार्ड दे सकते हो और सामने वाले को आउट कर सकते हो, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि आपको सामने वाले को आउट करना है तभी आप गेम में बने रहोगे। अब हम 3 चांस पे हैं, यहाँ पर गेम सही नहीं है या आश्रय नहीं है तो हमने पैक कर दिया है। ये देखिए अभी हम 2 चांस पे है, तीनों भी दो चांस पे है, और अशोक जो है वो आउट हो चुके हैं 208 पे, उन्होंने री एंट्री लिया है यहाँ पर। तो अब री एंट्री पे देखें आप, अभी प्राइज मनी जो है वो 6160 का हो चुका है। कार्ड्स हमारे ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, लेकिन कोई सही कार्ड तो है नहीं, एक प्योर सीक्वेंस है, लेकिन नहीं खेलेंगे ये गेम क्योंकि जोकर नहीं है हमारे हाथ में। दोस्तों अगर आप स्कोर देखो तो 151 अशोक जो है री एंट्री लिया है, उनकी गेम हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक चांस है, 3 जन को एक एक चांस है और 1 जन को 2 चांस है। यहाँ पर एक सिग्गी जो हमारी है, छक्का चौकट मिला है, एक 4 कार्डर बन चुका है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 25 पॉइंट में आना है, क्योंकि हमारा स्कोर अब 175 हो चुका है। तो अभी 43 पॉइंट्स हैं हमारे हाथ में, कोशिश करेंगे कि अगर हमें एक अच्छा कार्ड मिलता है तो हम 25 पॉइंट के अंदर आएंगे। यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है, अगर एक का और गुलाम जो हमारे हाथ में है स्पीक का, उसके अंदर कोई कार्ड मिलता है तो हम वो ले लेंगे, लेकिन सब जन पैक। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्कोर देख लीजिए आप,
अगर एक्का और गुलाम के बीच में कार्ड मिलता है तो हम लेके खेलेंगे। देखिए सब जन ड्रॉप हो गए हैं अभी, एक दो जन नो पैक है और दो जन को एक एक चांस है। एकदम बढ़िया, यहाँ पर हमारे पास चार जोकर आए, एक प्योर सीक्वेंस हाथ में है। दोस्तों ये तो बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर यहाँ पर जो नो पैक है वो तो खेलेंगे, जो एक चांस वाला है अगर वो भी खेल आता है तो हमें जैकपॉट का चांस मिल सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों देखते हैं कैसा है यहाँ पर मिलता है चांस। यहाँ पर अगर हमें 25 पॉइंट के अंदर आते हैं तो हम तो गेम में रहेंगे। अब भी हम 25 पॉइंट के अंदर ही है। जैसे भी अभी सामने वाला खेल चुका है 172 वाला एक बम्पर का और जैकपॉट का, कोशिश करेंगे हम यहाँ पर चांस लेंगे। दोस्तों मेरा एक सबसे बड़ा टिप मैं आपको दे रहा हूँ, जब एंड में आपको कोई भी स्प्लिट विन मिलता है तो आपको लेना है। जैकपॉट होता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर स्प्लिट विन भी मिलता है तो आपको ले लेना है, क्योंकि अभी हमारा स्कोर 175 है। अगर नेक्स्ट गेम अगर खेलते हैं और अगर आपको पैक करना पड़ा 200 पे, फिर आपको स्प्लिट विन कोई देता नहीं है 200 पे, और मुश्किल से कोई दे देगा। लेकिन अगर स्प्लिट विन नहीं मिलता है तो बहुत बुरी बात है। यहाँ पर आप देखिए हमारी गेम हो चुकी है और देखते हैं कौन कितने पॉइंट हारता है। दोस्तों मेरा डिस्कार्डिंग, मेरे गेम आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखें अभी अगर स्प्लिट विन मिलता है हमें तो हम ले लेंगे। ये देखिए स्प्लिट विन मिल रहा है, 2640 मिल रहे हैं, हम ले लेंगे। दोस्तों वीडियो देख पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।